तो माइनक्राफ्ट के इनफाइनाइट वर्ल्ड का ये है एक ऐसा सिंगल चंक जो कि हमारी तरह सिंगल है पर हाइट में कुछ ज्यादा लंबा है। तो ये 16 बाय 16 का एक सिंगल चंक है जिसके ऊपर कुछ चार पांच पेड़ और एक हरे वाले विलेजर अंकल भी हैं जो कि हमारे किसी काम शायद नहीं आने वाले हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और इस 16 बाय 16 ब्लॉक पे सरवाइव करना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई जानवर स्पॉन होगा और रिसोर्सेज तो तुम्हें पता ही है ना के बराबर या फिर ना होने वाले, मतलब होने वाले भी नहीं है, मतलब होने वाले ही नहीं है, मतलब है ही नहीं, मतलब चार पांच चैनल मतलब लिमिटेड ही है। क्या बोल दिया मैंने, पर बहुत कम रिसोर्सेज है। तो डेवन को जब मैं इस चंक के ऊपर स्पॉन हुआ तो मैं चारों तरफ यहाँ पे कुछ दो तीन पेड़ लगे हुए थे और सामने मुझे यहाँ पर एक नल्ले से एक विलेजर अंकल दिखे जिनके हरे वाले कपड़े देख के मुझे लग रहा था ये पक्का नल्ला है, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मुझे देखने में पता चला कि उसका नाम तो हॉवर्ड कुछ तो घटिया सा नाम था और ये नल्ले विलेजर बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये एक का डबल करते हैं, एक का डबल, जिनको मुझे देखने से इतना तो पता चल चुका था कि मेन इनसे खरीदने का सामान जो भी है अपने को सिर्फ एमरल्ड वगैरह चाहिए होंगे। तो उसके बाद मैंने बिना किसी देरी करते हुए जितने भी यहाँ पे पेड़ थे तीनों को गायब कर दिया। और अभी बस मैंने पेड़ को गायब किया ही था कि पता नहीं कैसे इतनी जल्दी यहाँ पर रात भी हो गई। पता नहीं कौन सा जादू चल रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अपने को काफी सारी सैपलिंग्स मिल चुकी हैं, अपने को 6 सैपलिंग मिल चुकी है ना। तो एक काम करते हैं, जितने भी पेड़ हो सकते हैं ना किनारे किनारे पे मैं सबको लगा देता हूँ, जितने भी उगेंगे अपने को ढेर सारी, क्योंकि वुड ही चाहिए। देखो मेन है ना ये भाई साहब, अपने को वुड से ओक प्लैंक, वो भी सिर्फ अपने को ओक प्लैंक से ये देगा ढेर सारे एमरल्ड। उसके बाद ही मैं कुछ खरीद पाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने 16 एमरल्ड खरीद लिए हैं जो कि मुझे नहीं खरीदने चाहिए थे, मेरे को पहले टूल्स वगैरह बना लेनी चाहिए यार। जिसके लिए मैंने एक चीज देखी थी यहाँ पे ना, केव सी है। एक सेकंड यहाँ पर ये देख रहे हो केव है ना यहाँ पे फटाफट जो कि नीचे जा रही है, लेकिन वहां तक अपने को जाना नहीं, अपने को थोड़ा सा स्टोन चाहिए ताकि मैं टूल्स वगैरह बना सकूं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ढेर सारा स्टोन माइन करके अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स वगैरह बना लिए। देखो अपने यहाँ पे ना टूल्स वगैरह तो बन चुके हैं, मैंने काफी अरे भाई साहब कितनी सैपलिंग मिलेंगी यार, अपने को 9 सैपलिंग और हैं और मैं 6 ऑलरेडी लगा चुका हूँ। भाई सैपलिंग्स तो अपने को ढेर सारी मिल चुकी हैं, सैपलिंग्स इसलिए ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि अपने को लकड़ियां ही चाहिए भाई इस वर्ल्ड में, ज्यादा कुछ और मिलने वाला है नहीं अपने को इस चंक के ऊपर क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं है, लिटरली एक सिर्फ खाली चंक दे रखा है अपने को। अबे भाई सैपलिंग कितने सैपलिंग लगाऊंगा भाई, सैपलिंग ही खत्म नहीं हो रही है। देखो मैंने फाइनली काफी सारी सैपलिंग्स लगा दी हैं, ऑलरेडी मेरे पास 30 प्लैंक्स और हैं जिनसे मैं थोड़े बहुत एमरल्ड्स और ले लेता हूँ, 23 हो गए ना अपने पास। अपने को ना लावा भी चाहिए होगा यार, तभी जाके मैं देखो स्टोन भी देने पड़ेंगे, तब जाके अपने को सैंड मिलेगा या फिर मैं एक आयरन, अच्छा अपने को एक आयरन मिल जाए ना तो अपन एक का डबल कर सकते हैं, कॉपर मिलेगा उसको भी डबल कर सकते हैं, डायमंड मिलेगा डबल कर सकते हैं फाइनली अपन। तो एक काम करते हैं, अभी मैं रिस्क लेके इस केव में जा तो रहा हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत कोल वगैरह दिख रहा है, तो पहले एक काम करते हैं कोल ले लेते हैं थोड़ा सा। कोल को मैं डबल कर सकता हूँ ये मैंने देखा नहीं यार कोल वाला इसके पास रेसिपी है कि नहीं। बाकी फिलहाल अपने को यहाँ पे 4 ही गोल्ड मिला है, गोल्ड नहीं है भाई ये ब्लैक गोल्ड है, ये कोल है अपने पास सिर्फ। बाकी नीचे जाने के लिए अपने को माइन ही करना पड़ेगा भाई इस चंक में, और कुछ मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे मिलेगा अपने को। बाकी स्पाइडर की आवाज तो आ रही है मुझे साइड से, देखो इधर से आवाज आ रही है काफी ज्यादा स्केलेटन की और उसकी भी स्पाइडर की, और मैं पता नहीं रिस्क लेके क्यों जा रहा हूँ, पर मजे लेने के आ रहा था तुम्हें पता है अपनी बहुत पुरानी है तो रिस्क लेना तो बनता है, देखते हैं क्या होता है। बाकी यार मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ तुम में से काफी सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वाले बटन को दबाओ यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये मेरा इंस्टाग्राम है यहाँ पे भी जाके फटाफट से फॉलो कर लेना। ओके। ओ क्रीपर भाई साहब फाइनली अपने को यहाँ पे केव दी, ओ केव नहीं है ये ना, मतलब चंक का साइड का एरिया है। अरे फटेगा ये फटेगा अपने को लेके, अरे नहीं स्केलेटन से बच के रहेंगे भाई, स्केलेटन से मजे उतने लेने जितने ले सकते हैं, वरना ये बैंड इतनी गंदी बजाते हैं स्केलेटन कि मजे के चक्कर में अपना मजा निकाल देंगे भाई, ये इतना मजे नहीं लेने इनसे, इसलिए मैं एकदम संभल के खेलना चाह रहा हूँ। बाकी मैं जाना तो नीचे नहीं चाह रहा हूँ, रुको भाई स्केलेटन है बाद में जाएंगे। अरे देख भाई पीछे से मार भी दिया भाई, ये बहुत बहुत गंदा आदमी है भाई स्केलेटन। मैं कह रहा था मुझे ना खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, खाने के लिए अपने पास अभी कुछ भी नहीं है और ऑलरेडी मेरे 2 हार्ट्स कम हो चुके हैं। बाकी ये तो सही है कि यहाँ पे कोई स्पॉन हो नहीं रहा है ऊपर, बाकी सैपलिंग वगैरह स्पॉन हो रही है भाई, कितनी सैपलिंग मिलेंगी यार अपने को। बाकी हाँ यार मुझे ना वो फार्मिंग करनी पड़ेगी भाई, अपने पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी ग्रास थी उससे मैंने थोड़े बहुत सीड्स जमा कर लिए, खेती बाड़ी के नाम पे 4 सीड मिले अपने को। बस देख रहे हो भाई पूरा जंगल साफ कर दिया पर 4 ही सीड मिले अपने को। एक काम करते हैं अपने पास 31 है यार, 32 लेके आने चाहिए थे अपने को। अरे नहीं अपने को आयरन चाहिए ना, आयरन को तो डबल कर सकता हूँ, देखो एक आयरन मिलेगा 2 कर सकता हूँ, कॉपर गोल्ड रेडस्टोन सब कुछ कर सकता हूँ, बस एमरल्ड अपने को ढेर सारे चाहिए जब तक ये थोड़े से ना ग्रो होते हैं। तो एक काम करते हैं अभी कुछ नहीं कर सकते अपन बाकी मैं ना केव में जाके एक आयरन ढूंढने की ट्राई करता हूँ क्योंकि अपने पास सिर्फ अभी वही ऑप्शन लग रहा है मेरे को, जिसके लिए मुझे स्केलेटन को मारना पड़ेगा। ओ भाई
एक टाइम तो लगा था, मैंने भाई बहुत बड़ी गलती कर दी नीचे कूद के, पर मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। बाकी इधर भी कोई आयरन नहीं है भाई, ये चंक नीचे आके खत्म हो रहा है। बाकी इस साइड तो कोई आयरन मुझे दिख नहीं रहा है भाई, साइड साइड में कहीं आयरन दिख जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। बाकी इधर भी कोई आयरन नहीं है, बस यहाँ पे एक जगह मुझे दिखी है। एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत और माइन वगैरह कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी बहुत माइन करने के बाद फाइनली अपने को यहाँ पे आयरन मिल चुका था, और यहाँ से मिले थे मुझे पूरे के पूरे 2 आयरन, और एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कोल भी मिला था। तो यहाँ से मैंने कोल और आयरन दोनों को माइन कर लिया, और स्केलेटन को मार के मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत बोन्स वगैरह भी मिली थी, जिससे मैंने बोन मील बना लिया। और यही हमारी फसल से हमें ब्रेड दिलाएगा, पर ब्रेड बनाने के लिए अभी भी थोड़ी सी कमी रहेगी। और यहाँ पे मेरे पास एक आयरन तो आ चुका था, तो उसके बाद मैंने अपने पास 37 एमरल्स तो थे नहीं। और अब मुझे इतना तो पता चल चुका था कि मुझे इस चंक पे सरवाइव करने के लिए सिर्फ पेड़ों को उगा के, उनको काट के, लकड़ियाँ बेच के, ढेर सारे एमरल्स कमा के, उसी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा। तो उसके बाद अपना सिर्फ एक ही टारगेट था कि अपने को कैसे करके ढेर सारे एमरल्स वगैरह कमाने हैं, जिसके लिए मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ वगैरह भी चाहिए थी। तो उसके बाद मैंने काफी दिनों तक सिर्फ लकड़ियाँ काट काट के ढेर सारे एमरल्स कमाए। तो काफी दिनों की मेहनत के बाद फाइनली अपना आइलैंड पूरा जंगल से भर गया था, अपने पास ढेर सारे पेड़ वगैरह आ चुके थे, और ढेर सारी लकड़ियां भी अपन ने जमा कर ली थी, जिनको बेच बेच के फाइनली अपन ने ढेर सारे एमरल्स वगैरह खरीद लिए, और एक का डबल करना फाइनली स्टार्ट भी कर दिया अपन ने। और ढेर सारे एक का डबल करके अपने पास आ चुके थे पूरे के पूरे 6 आयरन, और बाकी मेरे पास जितनी भी लकड़ियां वगैरह थी सबको मैंने ऑलरेडी बेच दिया था। तो उसके बाद मेरा जंगल जितना भी बड़ा हुआ था, मतलब जितने पेड़ वगैरह और आए, फाइनली उन सबको भी काट दिया। देखो इन सब पेड़ों को तो मैं ऑलमोस्ट काट दिया, बस एक पेड़ छोड़ दिया जिसके ऊपर हमारी एक बी आ चुकी है। इस वाले पेड़ पर देख रहे हो यहाँ पर एक मधुमक्खी का घर बन गया। बाकी अपने पास ढेर सारे सैपलिंग्स वगैरह, तो यार मैं सोच रहा हूँ चंक्स को ना थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मतलब साइड साइड में थोड़ा सा ना स्टोन वगैरह लगा के सोच रहा हूँ चंक को और खींच लेते हैं थोड़ा उधर की साइड। बाकी जब तक ये अपनी फसल वगैरह थोड़ी बहुत और उगेगी, अपने पास खाने की भी थोड़ी बहुत कमी है अभी भी फिलहाल, तो बाकी इनसे एक का डबल अपन करते रहेंगे। बाकी 6 आयरन है। हाँ, मैंने फाइनेंस भी नहीं बनाया यार अभी तक। एक काम करते हैं, फाइनेंस बना के अपने पास आयरन भी है। आयरन यार कोल से नहीं करना चाह रहा मैं, अपने पास स्टिक्स वगैरह बना लेते हैं। एक काम करते हैं, अरे यार ज्यादा स्टिक्स बना ली मैंने, पर चलो कोई नहीं, काम आ जाएंगी। देखो अब मैं सोच रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है भाई, अब वो फैंटम्स वगैरह आने लगेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ ना अपना केव में चलते हैं। केव में जाके अपने को थोड़ा सा आयरन तो मिल ही गया था ऑलरेडी, आयरन के मतलब डायमंड या गोल्ड वगैरह मिल जाएगा, तो अपन उसको भी एक का डबल कर पाएंगे। बाकी चलते हैं केव में, अपने को और कुछ मिल जाए। वैसे भाई ये केव बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती जा रही है अपने को, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा इसमें। देखो अब मैं जाने की सोच रहा हूँ यहाँ पर, यार नीचे जाना ना थोड़ा सा खतरे से खाली ही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ना स्लैब वगैरह बना लेता हूँ, स्लैब वगैरह थोड़ी हेल्प करने के लिए अच्छी रहेंगी। चलो फाइनली अपन यहाँ, अरे मैं यहाँ से नीचे भी, यार मैं वहां से माइन करके भी तो नीचे आ सकता था, क्यों बैठ। और लावा है नीचे, मैं लावा से यहाँ पे नेदर में जा, गोल्ड भी है, गोल्ड भी है, गोल्ड भी है। गोल्ड के लिए अपने को आयरन की पिकेक्स चाहिए होगी, लेकिन नहीं यार वहां जाना मेरे हिसाब से आयरन अपन बना सकते हैं, बना सकते हैं ये तो ठीक है। चलो नेदर पोर्टल बन जाएगा अपना फाइनली। अब मैं सोच रहा हूँ नेदर में चलते हैं, नेदर में अपने को थोड़ी बहुत प्रोग्रेस मिल जाएगी शायद, हो सकता है वहां पे चंक, ऐसा नहीं हो सकता भाई वहां पे चंक ही मिलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी मैं इतना तो है कि यहाँ पर वो बना पाऊंगा अपने लिए पोर्टल, जिसके लिए मुझे वाटर बकेट बनानी पड़ेगी एक। तो एक काम करते हैं अब सीधा ना ऊपर जाके, एक बना आयरन तो अपने पास मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख रखे हैं, तो वहां से उनसे एक वाटर बकेट बना लेंगे। वैसे स्केलेटन की भी आवाज आ रही है वैसे मेरे को यहाँ पे, वाटर बकेट ही लेके आते हैं भाई, उससे ना आने जाने में आसानी रहेगी थोड़ी। एक काम करते हैं ऊपर चलते हैं पहले। देखो अपने पास आ चुके हैं 6 आयरन, मेरे पास 6 आयरन मिले थे ना अपने पास। अरे यार शिट, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी। क्या हुई? अबे यार मुझे ना एक बचा के रखना चाहिए था, तभी तो यार डबल कर पाऊंगा यार, मैंने 6 के 6। शेट यार बहुत बड़ी गलती कर दी, पर चलो कोई नहीं, मिल जाएगा एक ना एक तो माइन करके। बाकी सबसे पहले मुझे बनाना है एक वाटर बकेट, ताकि मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ लावा के अंदर, लावा नहीं मतलब नेदर के अंदर जाने वाला हूँ। और एक और काम करते हैं, एक शील्ड भी बना लेते हैं, शील्ड भी बहुत जरूरी है, स्केलेटन्स वगैरह से बचाएगी अपने को। बाकी फिलहाल तो अभी अपना टारगेट नेदर ही है, सिर्फ अपने को नेदर में ही जाना है, जो कि मेरे हिसाब से हाँ यहाँ पे बना हुआ था अपना। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारा ना लावा पुल खराब नहीं होना चाहिए, अगर ये खराब हो गया तो भाई हो गया अपना कांड समझ लो, क्योंकि फिर तो भाई पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपन यहाँ पे बना पाएंगे। जिसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा यार, थोड़े बहुत ना पहले ब्लॉक्स वगैरह हटाने पड़ेंगे मेरे को। फाइनली अपना पोर्टल बन गया भाई, क्या ही मतलब यार, एक तो इतना शोर मचा रहे हैं, पहले देखूं भाई कहाँ पे है ये स्केलेटन्स वगैरह, भाई क्या शोर मचा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। अरे नीचे स्पॉनर है एक, मुझे पता चल गया यहाँ पे एक स्पॉनर है, उस वजह से शोर मच रहा है इतना ज्यादा। मैं वही तो कहूँ, एक सेकंड इतना शोर क्यों मच रहा है भाई, स्पॉनर है नीचे, ये देख रहे हो यहाँ पे ब्लॉक्स वगैरह ना, स्पॉनर यार मैं तोड़ना तो चाह नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मैं वो बना सकता हूँ ना एक्सपी फार्म भी वगैरह अपन बना सकते हैं। चेस्ट खुल जाए तो मजा ही आ जाएगा, पहले ये फटेगा, रुको फट जाओ भाई तुम आराम से। एंडर ड्रैगन, एक एंडरमैन भी है ना, ये जोम्बीज का स्पॉनर है, ये तो अच्छी बात है, जोम्बीज का है ना।
ओ अबे नहीं, क्रीपर फटता है तो भाई ये स्पॉनर भी टूट के गया यार। ये इसका आइडिया नहीं था मेरे को। बाकी इसको निकालते हैं सबसे पहले। चलो इनको तो मैंने निपटा दिया। बाकी यहाँ पर शायद एक चेस्ट थी, वो भी टूट चुकी है, पर चलो कोई नहीं, अपने को ढेर सारा सामान वगैरह तो मिल गया है बाकी इस वाली चेस्ट में। अरे भाई साहब इसमें आयरन है अपने पास। चलो अपने पास थोड़ा बहुत आयरन मिल गया, नेम टैग वगैरह, बोन मील काम आएगी बोन मील बनाने के लिए। गोल्ड भी मिल चुका है अपने को। देखो अपन ना एक बहुत आसान काम करते हैं। देखो अपने पास 14 स्ट्रिंग भी हो चुकी है, मैं इसे वूल बना के पैड भी बना पाऊंगा, ये अच्छी बात है। बाकी इन सामान की वैसे जरूरत नहीं, इनको अभी फिलहाल इधर ही पड़े रहने देते हैं। बाकी ये कोई केव में आ चुका हूँ मैं फिलहाल नीचे की साइड। बाकी फाइनली अपने को दो आयरन और मिल चुके हैं यहाँ पर, दो नहीं तीन, चार मिल गए भाई वो। हाँ ड्यू देखो तीन अपने पास यहाँ पे आयरन आ चुके हैं, बाकी चौथा यहाँ पे भी है। बाकी नीचे और कुछ दिखा, और डायमंड है नीचे, अपने को डायमंड दिख रहा है। रुको ये डायमंड तो बनता है सबसे पहले, अब तो डायमंड ही लेने जा रहा हूँ। अब तो भाई अपने को डायमंड ही चाहिए सबसे पहले, अपन डायमंड ही लेंगे। लेकिन आयरन की पिकेक्स नहीं है भाई। 5-6 में बना सकते हो, बना सकता हूँ भाई, ऐसे गड़बड़ कहीं से हो जाएगी। बाकी बारिश भी शुरू हो चुकी है, पर चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं पहले फटाफट भाई आयरन की पिकेक्स बनाएंगे सबसे पहले अपन। अपने पास 5 आयरन है ना, सबसे पहले बनाएंगे एक आयरन की पिकेक्स और फाइनली अपन माइन करने वाले हैं एक डायमंड। बस गिरना नहीं चाहिए। यस फाइनली अपने को मिल चुका है एक डायमंड भाई साहब। डायमंड से और कुछ नेदरराइट वगैरह नीचे और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा। बाकी मैं काफी ज्यादा नीचे आ चुका हूँ। बाकी एक काम करते हैं अपने यहाँ पे इसको उठाते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं पहले। अपनी पिकेक्स भी ऑलमोस्ट टूटने वाली है। लो टूट भी गई। बाकी अपनी आयरन किट काम आएगी अब। बाकी देखो हाँ, मुझे ना नेदर में जाना, तो एक सेकंड अपने को एक चीज और चाहिए होगी जो की है फ्लिंट एंड स्टील, जिसके लिए अपने को चाहिए होगा ग्रेवल। ग्रेवल तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि शायद मैंने देखी थी वो विलेजर अपने को ग्रेवल दे रहा है। वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो ग्रेवल दे रहा है कि नहीं दे रहा। बाकी एक काम करते हैं, यहाँ से कोल वगैरह भी मैंने फिलहाल ले लिया। बाकी यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं। बाकी एक एंटरमैन यहाँ पर है, तो मैं सोच रहा हूँ एक एंटरपल तो दे लेते हैं बेचारे को, कब से खड़ा है यार हमारे लिए। इसको भी यहाँ से अब मुक्त कर देते हैं, मेरे हिसाब से मुक्त कर देना चाहिए, वो इतना किसी के साथ बुरा नहीं करते। पर इसने मेरे साथ बुरा कर दिया, देख रहे हो। देखो ग्रेवल मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे मिलेगी, तो एक काम करते हैं, फ्लेजर अपने को शायद दे रहा था, तो एक काम करते हैं वहीं से मैं लेके आता हूँ पहले। और जब मैं अपने घर आया तो मैंने देखा कि हमारे पास खाने की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है, तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जितने भी सीड्स वगैरह थे उन सबको भी मैंने यहाँ पे प्लांट कर दिया। और खाना बनाने के लिए अपने पास यहाँ पे 16 वीड्स थे, तो उनसे मैंने थोड़ा बहुत ब्रेड बना लिया। और फ्लेजर को चेक करने के बाद पता चला कि वो हमें ग्रेवल दे रहे हैं, पर थोड़ा सा महंगा दे रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और जमा करी। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे काफी सारी स्ट्रिंग्स वगैरह तो हो चुकी थी, जिनकी हेल्प से मैंने एक वूल बना के अपने लिए फाइनली एक बेड बना लिया। हैव अ स्वीट ड्रीम। और ढेर सारी लकड़ियां जमा करके मैंने अपने विलेजर अंकल से ढेर सारे एमरल्स वगैरह खरीदे। और अपने पास स्टोन और एमरल्स वगैरह तो हो चुके थे, तो मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत 16 एक फ्लिंट के लिए देख रहे हो 16 ग्रेवल खरीदी है तुम्हारे भाई ने। और फाइनली ग्रेवल की हेल्प से मुझे यहाँ पर एक फ्लिंट भी मिल चुकी थी। और फाइनली मैंने अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील बना लिया, और नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं सीधा निकल गया नेदर के लिए। लेकिन मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दी थी, आयरन नहीं फेंकते यार ऐसे। और फाइनली जब मैं इस वर्ल्ड में आया तो पता चला कि नेदर तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। अपने को कौन सी वाली बायोम में निकाल दिया था, मुझे जो घटिया बायोम लगती है उसी बायोम के अंदर अपना नेदर पोर्टल बना हुआ था, जो भी चारों तरफ सिर्फ बेडरॉक ही बेडरॉक है, मतलब हम आस पास भी कहीं जा ही नहीं सकते। पर मैं नेदर में आया किस लिए था, ये चीज मुझे समझ नहीं आई अभी तक। देखो अभी फिलहाल मैं सिर्फ नीचे जा रहा हूँ, नीचे ये एक ही चंक है मुझे जहां तक पता चला है, तो हो सकता है नीचे अपने को कुछ मिल जाए। देखो भाई ब्लेज रॉड की आवाज भी आनी स्टार्ट होगी, मैं कहता कुछ मिल जाए, ब्लेज रॉड की आवाज भी आनी स्टार्ट हो गई। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ब्लेज रॉड कैसे जमा करूं। भाई ब्लेज रॉड जमा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अपने पास भाई नीचे अपने को ब्लेज रॉड का वो दिखते हो, ब्लेज रॉड का नहीं, अपने को यहाँ पे वो दिख चुका है ना फोर्ट्रेस, तो यानी कि मैं फोर्ट्रेस के अंदर फाइनली आ चुका हूँ। लेकिन ये कैसे फोर्ट्रेस है भाई, यहाँ से तो बंद है इस, ओ नहीं नहीं नहीं, इस साइड स्पॉनर है। चलो ये अच्छी बात है, एक सेकंड इस साइड स्पॉनर है, तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इनको मार सकता हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ये नहीं आनी चाहिए इस साइड, यहाँ से मार मार के मुझे वो जमा करने पड़ेंगे भाई ब्लेज रॉड। भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे पास आयरन एक ही है यार। हाँ मेरे पास है ना, एक काम करते हैं फर्नेस बना के ना एक आयरन की एक्स बना लेते हैं, ताकि मतलब डैमेज अच्छा खासा दे पाऊँ मैं। बस मुझे एक आयरन बचा के रखना भाई, तीन आयरन को स्मेल्ट करने वाला हूँ मैं बस। देखो ये बन गई अपनी एक्स, ठीक है एक्स भी अपने पास आयरन की आ चुकी है, बाकी अपने को और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। उसके बाद मैंने आयरन की एक्स बना के फाइनली ब्लेजेस के ऊपर हमला बोल दिया। भाई देखो मेरी और ये हालत खराब, मेरे पास भाई आयरन का आर्मर भी नहीं है यार, मुझे आर्मर लेके आना चाहिए भाई।
यार इनसे फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है यार, या फिर मुझे पोर्शन लेके आना चाहिए था भाई। ऐसे तो लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है भाई। भाई ऐसे तो निपटा देंगे मेरे को ये, मुझे नहीं लग रहा मैं ऐसे लड़ पाऊंगा, मुझे आर्मर लेके ही आना पड़ेगा भाई। विदाउट आर्मर पॉसिबल नहीं है, अभी तक एक भी ब्रेस रॉड नहीं मिली मेरे को। और मैं गया गया भाई, हाफ हार्ट पे बचाओ भाई, हाफ हार्ट पे भाई। इनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई, नहीं लड़ पा रहा यार इनसे मैं। ये देखो यहीं पे बैठे हैं सारी की सारी। फाइनली अपने को चलो एक ब्लेज रॉड तो मिली भाई, मैं क्या बच रहा हूँ, मेरे को दो ब्लेज रॉड तो दिख रही है। मैं फटाफट से उनको जाके पहले कलेक्ट करता हूँ भाई, फिर लड़ूंगा इनसे। वो तीन ब्लेज रॉड अपने को मिल चुकी है भाई, रुको मुझे बस उस वाली हो। भाई भाई मैं कैसे भाई, शील्ड बचा रही है मेरे को बस और कुछ नहीं भाई। मैं गया भाई, अपने पास आ चुके तीन, अपने को तीन आ चुके हैं ना, 12 ची होती है यानी कि 6, यानी कि तीन और चाहिए मेरे को बस, फिर अपना काम हो जाएगा डन भाई। जैसे तैसे मैं इनसे बच रहा हूँ ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है भाई, कैसे लड़ रहा हूँ पता नहीं मैं। और जैसे तैसे भाई, और जैसे तैसे भाई फाइनली तीन तो जमा करी। देखो पांच प्लेस रॉड तो अपने पास आ चुके हैं, बस मुझे एक और चाहिए भाई। मेरी हालत वैसी ऑलरेडी खराब हो रखी है इनको मार मार के, और जैसे तैसे मैंने यहाँ पे दो और तो जमा कर लिए, तीन तो मेरी ऑलरेडी मिल गई थी। लेकिन नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, रुको एक सेकंड, बस एक और मिल जाए फिर इनसे कोई मतलब नहीं है मेरे को, फिर मैं भाग रहा हूँ यहाँ से बस। फाइनली चलो अपने को यहाँ पे 6 ब्लेज रॉड अपने पास आ चुके हैं, फाइनली अपने को एक और ब्लेज रॉड मिल गई है भाई। शील्ड मेरी ऑलमोस्ट मर चुकी है, काम करता हूँ मैं एक और शील्ड बना ही लेता हूँ, अपने पास कमी थोड़ी ना है, अपने पास शील्ड की कोई कमी नहीं। इसको उठाते हैं निकलते हैं भाई। फेक, अरे नहीं नहीं नहीं, मर जाऊंगा नहीं, हाफाट हाफाट भाई, नहीं मर जाओ भाई, भाई हाफाट बचो भाई, एक सेकंड भाई, ये छेद था ना बीच में भाई, इनका फायदा उठा लिया इन्होंने इसका। बाकी मैंने अपना सारा सामान यहाँ से जमा कर लिया, बाकी निकलते हैं फटाफट नीचे। यार एक सेकंड, मुझे वो कहाँ से मिलेंगे भाई, अपने को तो वो भी चाहिए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, एंडरपल। हाँ अपने को एंडरपल भी तो चाहिए भाई, वो कहाँ से मिलेंगे अपने को पता नहीं भाई। एंडरपल का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं फिलहाल उसको छोड़ के नीचे से ऊपर आ चुका हूँ। फाइनली मैं अपने घर जाने वाला हूँ भाई, फाइनली अपन जा रहे हैं अपने ओवर वर्ल्ड में भाई। नेदर में बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ अपने साथ, पर चलो कोई नहीं, अपन ने वो तो जमा कर ही लिए जिसके लिए अपन नेदर गए थे। अपना सामान अभी भी यहीं पे पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से। देखो 6 ब्लेज और अपने पास आ चुके हैं, एक काम करते हैं सारा सामान पहले अपनी चेस्ट प्लेट में डाल देते हैं, ताकि मरूँ तो भाई अपना सामान भी गायब नहीं होना चाहिए। बस ये जो भी सामान अभी फिलहाल ना सारा मैं इसी में डाल दे रहा हूँ, अपनी चेस्ट में डाल देता हूँ फिलहाल, ये किसी काम का नहीं है अभी फिलहाल, तो मैंने इसी में डाल दिया। मेन सामान ये ले लेते हैं, एमरल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी हाँ सबसे पहले चेक करते हैं ये अपने को एंटरपल दे नहीं रहा है, अपने को एंटरपल कहाँ से चाहिए भाई। एंटरपल छोड़ो भाई, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ से ढूंढूंगा भाई, एक दिक्कत ये भी तो है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ही तो नहीं है अपने पास। बाकी मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ से तो रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले एक रास्ता देखा था कि ना मैं पानी की हेल्प से डायरेक्ट वहाँ पे जा सकता हूँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन। एक काम करते हैं, पानी यहाँ डालते हैं और चलते हैं एकदम मस्त मजे करते हुए, आराम से चलेंगे पर धीरे धीरे, पानी जाना चाहिए उससे पहले, हम पहुंचने से पहले। ये देखो आ गया ना मैं उसी जगह पे डायरेक्ट आ गया, पहले पता नहीं मैं क्या कर रहा था। मैं देखो डायरेक्ट ना यहाँ भी जा सकता हूँ, अपने को एक और, ओ ये मैं यहाँ पे पहली बार, शायद मैं पहली बार यहाँ, अरे यहीं तो आया था, यहीं से तो आयरन लेके गया था। यहाँ पे थोड़े बहुत दरिंदे आए, इनको भी निपटाएंगे पहले फटाफट। अरे नहीं याद, अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना।